हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा टॉपिक चल रहा था अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। आज बच्चों हमारा ये टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा। इसके अंदर अपने दो लास्ट लेक्चर्स बचे हैं जिसमें हम ये कंप्लीट करने वाले हैं। हमने अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने लगभग सारी ग्रंथियाँ हमने कवर कर चुके थे। पिट्यूटरी, थायरॉयड, पैराथायरॉयड, थाइमस, पीनियल, पैनक्रियाज। तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कुछ अदर ऑर्गन्स को देखेंगे जो हॉर्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। हमारी कुछ ग्लैंड्स बाकी है जैसे गोनाड्स, हम आज गोनाड्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अन्य अंगों के बारे में पढ़ेंगे जो हॉर्मोन का स्त्रावण करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो हमारा उसके अंदर पोर्शन आता है वो आता है किडनी। वृक्क, वृक्क जो है वो क्या हार्मोन उत्सर्जन करते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, उत्सर्जन का होता है। लेकिन इससे निम्नलिखित हार्मोन स्त्रावित होते हैं, ये भी कुछ तरह के हार्मोन्स को स्त्रावित करता है। तो वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, अब अपन ने देखा था कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर जक्स्टा मेडुलर जो सेल्स होती हैं, जेजी सेल्स होती हैं, वो रेनिन का स्त्रावण करती हैं। कब, जब ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है, जब रक्त का दाब कम हो जाता है, उस समय एक हार्मोन स्त्रावित होता है बच्चों, जिस हार्मोन का नाम है रेनिन। अब ये रेनिन क्या करता है, रेनिन क्या करेगा बच्चों, जब ये रेनिन का स्त्रावण होगा तो ये रेनिन क्या करता है, रेनिन हार्मोन जो है वो जेजी सेल्स के थ्रू सीक्रेट होता है। कौन सी सेल्स सीक्रेट करती हैं, जेजी सेल्स सीक्रेट करती हैं। और ये रेनिन क्या करता है बच्चों, जो आपका लीवर है वो किसको सीक्रेट करता है, एंजियोटेंसिनोजन को स्त्रावित करता है। तो ये जो आपका रेनिन है ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन 1 के अंदर कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिनोजन 1 के अंदर परिवर्तित कर देता है। इसका यही कार्य है। अब ये जो एंजियोटेंसिनोजन 1 है ये आगे जाने के बाद में क्या करता है बच्चों, यहाँ पे एक लीवर, आपका जो लीवर है, फुफ्फुस है, वो क्या एक हार्मोन स्त्रावित करता है, एक एंजाइम सीक्रेट करता है। जो आपका लंग्स है वो आपका लंग्स क्या करता है, एक एंजाइम स्त्रावित करता है जो होता है एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो इसको एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट करता है और 2 जो है वो एल्डोस्टेरोन का फिर सीक्रेशन करवाएगा। तो ये क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है, फिर बच्चों जो एल्डोस्टेरोन है हमने उत्सर्जन तंत्र के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था कि एल्डोस्टेरोन है वो क्या करता है, आपके सॉल्ट्स और वाटर का, जल का पारगम्य बना देता है, उसको वहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स लगा देता है जो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। और वो क्या करता है, आपके ब्लड प्रेशर को, आपके रक्त दाब को, आपका जो रक्त दाब कम हुआ है उस रक्त दाब को वो वापस से नियंत्रित करता है या उसको वापस से वो बढ़ा देता है। तो ये काम बच्चों रेनिन का होता है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि जैसा कि हमने देखा तो इसका काम क्या है रेनिन, ये है जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन द्वारा निकलता है रेनिन हार्मोन, प्रोटीन पाचक एंजाइम की तरह कार्य करता है। यह हार्मोन प्लाज्मा प्रोटीन यानी एंजियोटेंसिनोजन को पचाकर इसे एंजियोटेंसिनोजन 2 में परिवर्तित कर देता है। रेनिन हार्मोन वृक्क नलिकाओं द्वारा परानिसंदेन की दर को बढ़ाता है, परानिसंदेन जो फिल्ट्रेशन रेट है वहां से जो फिल्ट्रेशन रेट है उसको वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और वहां पे जो हमारा रक्त दाब है, जो हमारा रक्त दाब बच्चों कम था उस रक्त दाब को ये वापस से बढ़ा देता है। यह वृक्क नलिकाओं में जल व सोडियम आयनों का पुनरावशोषण करता है। क्या करेगा ये जो रक्त नलिकाएं हैं उनके अंदर जल और वाटर का पुनरावशोषण करवा देता है। अब आपको पता है कि जो आपका यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो आपकी रक्त नलिकाएं हैं उनके अंदर ये क्या करता है, सोडियम व वाटर के एब्जॉर्प्शन को, पुनरावशोषण को बढ़ा देता है। तो हमें ये चीज याद रखनी है बच्चों, यहाँ पे ये कहाँ से सीक्रेट होता है, यह है एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन हार्मोन के स्त्रावण को प्रेरित करता है। जो आपकी एड्रिनल ग्रंथि है उसके
कॉर्टेक्स भाग को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उसको उत्तेजित करता है ताकि वो किसका स्त्रावण करे, ताकि वो बच्चों एल्डोस्टेरोन का स्त्रावण करे। और जो आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो सोडियम और उनके आयंस होते हैं, सोडियम और जो वाटर के आयंस होते हैं उनको क्या करता है। अब ये आपका वर्क है, ये सपोज आपका वर्क है, यहाँ से ये इसकी हेलने लूप हो गया और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके की मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से बच्चों यहाँ पे जो आपकी रक्त नलिकाएं जा रही हैं यहाँ पे सोडियम ट्रांसपोर्टर्स को वो इंक्रीज कर देता है, सोडियम Na+ और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर देता है। कौन? एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका स्त्रावण यहाँ पे सोडियम और जल के ट्रांसपोर्ट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जो आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, जिस समय आपका रक्त दाब निम्न होता है उस टाइम रेनिन का स्त्रावण होता है जेजी सेल्स के थ्रू। जो आपकी जेजी सेल्स हैं वो उस टाइम पे रेनिन हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है बिल्कुल। अब बच्चों अपना जो नेक्स्ट हार्मोन है उस हार्मोन की मैं बात करने जा रहा हूँ। ये जो नेक्स्ट हार्मोन है, सबसे पहला कौन सा था हमारा, रेनिन हार्मोन था। नंबर टू इरिथ्रोजेनिन, इरिथ्रोजेनिन हार्मोन, यह हार्मोन प्लाज्मा प्रोटीन या ग्लोबुलिन से क्रिया करके इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन बनता है। जो आपका ये हार्मोन है ये ग्लोबुलिन, देखो रक्त होता है उसके अंदर एल्बुमिन ग्लोबुलिन कुछ प्रोटीन होते हैं, जहाँ पे ये जो इरिथ्रोजेनिन है ये क्या करता है, उस एल्बुमिन या ग्लोबुलिन जो आपका प्रोटीन है उसके साथ में क्रिया करके ये इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का निर्माण करता है। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन क्या करेगा, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन क्या करता है, जो आपकी अस्थि मज्जा होती है, जो आपकी अस्थि मज्जा होती है, अस्थि मज्जा के अंदर ये क्या करता है, यहाँ पे आपकी बोन मैरो होती है, यहाँ पे आपकी क्या होती है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा बोलते हैं जिसको हम, बोन मैरो, बोन मैरो के, बोन मैरो क्या करती है, रक्त का निर्माण करती है। कौन करवाता है, हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस का मतलब क्या होता है, हीमोपोएसिस का क्या मतलब होता है, रक्त का फॉर्मेशन। हीमोपोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड यानी रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज बोल सकते हैं। रक्त का निर्माण करने के लिए ये क्या करता है, प्रेरित करता है। ये जो आपकी अस्थि मज्जाएं की कोशिकाएं होती हैं यहाँ पे अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मैरो, बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों, जो हमारे हड्डियाँ हैं काफ़ी जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके अंदर कुछ सॉफ्ट पार्ट होता है जिसको हम अस्थि मज्जा बोलते हैं। यह लाल रुधिराणु के निर्माण को प्रेरित करता है। ये क्या करता है, आरबीसी के नंबर को बढ़ाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। रिनोमेडुलरी प्रोस्टाग्लैंडिंस कौन सी होती हैं, यह सबसे सक्रिय हार्मोन होता है। यह वृक्क में रुधिर वाहिनियों को आरेखित पेशियों में स्थिलन करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन, यानी यह वैसोडाइलेशन का काम करता है और वैसोकॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। यह मूत्र में सोडियम आयन के उत्सर्जन को बढ़ा देता है। वृक्क में रुधिर वाहिनियों के प्रसारण व मूत्र में अधिक निर्माण की प्रक्रिया व नलिका पुनरावशोषण को कम करता है, यानी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है उसको ये कम करता है। ये जो रिनोमेडुलरी प्रोस्टाग्लैंडिंस होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिंस बहुत तरह के होते हैं। अब इसमें से इसका काम क्या है, यह सबसे एक्टिव हार्मोन होता है रुधिर वाहिनियों में कि आरेखित पेशियों को, जो उसकी हमारी ब्लड की जो सेल्स हैं उनकी जो लाइनिंग है उसको क्या करता है, ये काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो हमारी पेशियां हैं, जो हमारी आर्टरीज और वेंस की जो मसल्स हैं उनको, आर्टरीज और वेंस वाली जो ऊपर मसल्स हैं उनको क्या करता है, स्थिलन कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन यानी वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर और वैसो डायलेशन का प्रोसेस करता है, यानी ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर और वैसो डायलेशन करवाता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर और वैसो डायलेशन का काम करता है। और क्या करता है, ये वैसो डायलेशन करवाता है, रक्त की दर को बढ़ाता है, वैसो डायलेशन करवाता है। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं त्वचा। त्वचा क्या करती है बच्चों, त्वचा का क्या काम होता है, त्वचा का क्या काम होता है, हमारी त्वचा किस तरीके से हमारी मदद करती है, हम अब नेक्स्ट बात करेंगे त्वचा के बारे में। त्वचा में सूर्य के प्रकाश की पैराबैंगनी किरणों के प्रभाव से अर्गेर
अर्गेस्टेरोल एवं कोलेस्ट्रोल नामक स्टीरोइड पदार्थ सक्रिय विटामिन डी क्रमश ओलिगोकोस्टेरोल कोलेस्ट्रोल का कार्य में बदल देता है। यह रुधिर द्वारा अपनी क्रिया स्थिर करता है, यानी जो आपका कोलेस्ट्रोल है, कोलेस्ट्रोल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, अर्गोकोलेस्ट्रोल एवं कोलीकोलेस्ट्रोल के अंदर इसको फॉर्म कर देता है। ये हमें जो हमारे सन से काफ़ी सारी किरणें आती हैं, पैराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, उनसे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। जो विटामिन डी है ये कैल्सीफेरोल को पैराकैल्सीफेरोल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, अर्गोकैल्सीफेरोल के अंदर ये परिवर्तित कर देता है। विटामिन डी को भी हार्मोन माना जाता है, यानी जो आपका विटामिन डी है उसको भी हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी पैरा हार्मोन के साथ संयोगी हार्मोन के रूप में काम करता है, यानी पैरा हार्मोन के साथ एक को हार्मोन की तरह वर्क करता है। कौन? आपका विटामिन डी। यह अस्थि निर्माण तथा दांत निर्माण में सहायक होता है, जो आपका टीथ फॉर्मेशन के अंदर ये हेल्प करता है। यह आंत्र द्वारा कैल्शियम तथा फॉस्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है। जो हमारी आंत्र होती है उसमें कैल्शियम व फॉस्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि बच्चों में विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी रिकेट्स हो जाता है, जिसमें हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, पतली टेढ़ी मेढ़ी तथा कुरूप हो जाती हैं। रिकेट्स के अंदर क्या होता है बच्चों, विटामिन डी की कमी के कारण जो ये रोग होता है जिसको हम बोलते हैं रिकेट्स, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं रिकेट्स। और इसके अंदर क्या होता है, जो बोन्स होती हैं बच्चों के अंदर वो टेढ़ी मेढ़ी या पतली हो जाती हैं, तो इसमें हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। तो ये क्या करता है, दांत और यहाँ पे फॉस्फोरस और इसका निर्माण करता है, तो इसके हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से ये भी काम हो सकते हैं। वयस्क अवस्था में इसकी कमी से ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है, जिससे हड्डियाँ कमजोर व आसानी से टूटने लगती हैं। ऑस्टियोमेलेसिया के अंदर भी विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से, अगर बच्चों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ गई तो हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी और ऐसी होने लगती हैं। सो ये भी क्या करता है, अर्गोकैल्सीफेरोल के अंदर कन्वर्ट कर देता था, जो क्या करता है पोटेशियम और इनका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता था। अगर इस विटामिन की कमी आ गई हमारे अंदर तो क्या होगा, ये सारी डिजीजेज होंगी इस हार्मोन की कमी की वजह से, इस हार्मोन के कम स्त्रावण की वजह से या फिर इस हार्मोन के नहीं होने की वजह से। अब बच्चों जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा गोनेट्स। गोनेट्स क्या होते हैं, गोनेट्स मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर होते हैं गोनेट्स। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि गोनेट्स क्या होते हैं बच्चों, गोनेट्स जो होते हैं वो मेल के अंदर भी होते हैं और फीमेल के अंदर भी होते हैं, ये दोनों के अंदर होते हैं। मेल के अंदर होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेल गोनेट्स। मेल गोनेट्स क्या होते हैं, मेल गोनेट्स, और मेल गोनेट्स क्या होते हैं, वर्षण। आपके जो टेस्टीज हैं, मेल गोनेट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कौन है, आपके टेस्टीज हैं। टेस्टीज को हम क्या बोलते हैं, मेल गोनेट या वर्षण भी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्षण। ओके, और फीमेल गोनेट्स कौन से होते हैं, फीमेल गोनेट जो होते हैं बेटा वो होते हैं पेयर ऑफ ओवेरीज। फीमेल गोनेट कौन से होते हैं, पेयर ऑफ ओवेरीज, पेयर ऑफ ओवेरीज। ओवेरीज जो होती है वो क्या होती है, आपकी फीमेल गोनेड होती है। अब ये क्या कार्य करती हैं, ओवरी और ये जो आपके वर्षण हैं इनके अंदर की क्या करते हैं, हॉर्मोन्स का स्त्रावण करते हैं। इन ग्रंथियों को कंट्रोल कौन करता है, ये ग्रंथियाँ कंट्रोल होती हैं बच्चों पिट्यूटरी के द्वारा। पिट्यूटरी की जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो क्या रिलीज करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी का जो भाग है वो जीएच रिलीज करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और वो जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का स्त्रावण करता है वो इनको कंट्रोल करता है, दोनों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दोनों के अंदर LH और दूसरा FSH, यहाँ भी LH एंड FSH। तो ये बात याद रखना, यहाँ पे जो आपके अगर अपन डिस्कस करना चाहें तो मेल जो गोनेट्स होते हैं, गोनेट्स कितने टाइप के मैंने बनाए यहाँ पे, गोनेट्स की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों तो गोनेट्स होते हैं दोनों, ठीक है। एक होंगे कौन से, मेल गोनेट, और एक होगा कौन, फीमेल गोनेट।
मेल गोनाड, मेल गोनेड्स एंड फीमेल गोनेड्स, फीमेल गोनेड्स, फीमेल गोनेड्स। ओके, अब यहां पे इनको कंट्रोल कौन करेगा? मेल गोनेड्स कौन से होते हैं? टेस्टिस, टेस्टिस जिसको हम वृषण बोलते हैं, वृषण। और ये एक पेयर होते हैं टेस्टिस, और टेस्टिस का मतलब होता है प्लूरल और इसका मतलब होता है सिंगुलर। ओके, फीमेल गोनेड्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ ओवेरी, ओवेरी होती है। अब ये दोनों के दोनों ये क्या है बच्चों? मेल एंड फीमेल गोनेड्स। अब ये गोनेड्स जो आपकी ग्लैंड्स हैं इनको कंट्रोल कौन करता है? आपका पिट्यूटरी। ये अग्रभाग है पिट्यूटरी का, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है आपकी, एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्रंथि है यानी एंटीरियर अग्रपीयूष ग्रंथि, अग्रपीयूष ग्रंथि जो है आपकी वो इनको क्या करती है? कंट्रोल करती है। कौन सा हार्मोन स्त्रावित करती है? वो करती है बच्चों गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक, ट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन का स्त्रावण करती है, हार्मोन का स्त्रावण करती है। ये जो जीएच है ये इसको भी कंट्रोल करेगा और इनको भी कंट्रोल करेगा। यहां पे ये क्या करता है? एलएच एंड एफएसएच, इनमें से एक जो होगा वो स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रभावित करेगा और जो दूसरा होगा बच्चों वो क्या करेगा? हार्मोन सीक्रेट करेगा, मेल हार्मोन जिसको अपन बोलते हैं एंड्रोजन, एंड्रोजन। यहां भी एलएच एंड एफएसएच दोनों वर्क करते हैं, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनमें से एक हार्मोन जो एलएच है वो क्या करता है? आपका ओजेनेसिस करवाता है यानी ओवम का फॉर्मेशन करवाता है। ओवरी ईच एंड एवरी मंथ, हर एक महीने ओवरी जो है वो एक ओवम रिलीज करती है, एक मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है, जो चक्र चलता है मासिक चक्र के अंदर, ये क्या करती है? मासिक चक्र के अंदर ये हर एक महीने एक ओवम यानी एक अंडे का रिलीज करती है। ठीक है, इसके अंदर जो हार्मोन स्त्रावित होते हैं गोनेड्स के थ्रू वो कौन से होते हैं? फीमेल गोनेड्स दो तरह के हार्मोन स्त्रावित करता है। एक हार्मोन है बच्चों आपका एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और जो आपका दूसरा हार्मोन है उसका नाम है प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन जो हार्मोन है वो कौन स्त्रावित करता है? प्रोजेस्ट्रोन जो हार्मोन है वो आपके गोनेड्स स्त्रावित करते हैं। अब इन हार्मोन्स का क्या फंक्शन है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे मेल गोनेड्स टेस्टिस के अंदर क्या होगा? टेस्टिस के अंदर भी यही दो फंक्शन होंगे। अब जो ओवम प्रोड्यूस हो रहा है ये एलएच करवा रहा है और ये जो हार्मोन स्त्रावित हो रहे हैं ये एफएसएच करवा रहा है। यहाँ पे एक तो प्रोडक्शन होगा स्पर्म का और एक इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स जो एंड्रोजन प्रोड्यूस करवाएगा वो एफएसएच है और जो आपका स्पर्म का प्रोडक्शन करवाएगा वो एलएच है। एलएच को हम आईसीएसएच बोलते हैं, आईसीएसएच बोलते हैं फीमेल, मेल के अंदर। आईसीएसएच की फुल फॉर्म है इंटरस्टीशियल, इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग, सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एग इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब बच्चों होता क्या है इसके अंदर हम बारी बारी देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टेस्टिस की। टेस्टिस क्या करता है? सीक्रेट एक तो स्पर्म का सीक्रेशन करवाता है, जो स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु, शुक्रजनन, शुक्रजनन। और यहाँ पे क्या करवाता है? अंडजनन। कहाँ पे अंडजनन कहाँ करवाएगा? फीमेल के अंदर। कौन? एलएच का काम होता है फीमेल के अंदर ओवरीज के थ्रू एग का फॉर्मेशन जिसको हम अंडजनन कहते हैं, और नर के अंदर ये क्या करवाता है? स्पर्म का फॉर्मेशन जिसको हम शुक्रजनन कहते हैं। यहाँ पे दूसरा जो है एंड्रोजन, जो मेन एंड्रोजन है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन का जो फॉर्मेशन करवाता है वो एफएसएच हार्मोन है, जो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो क्या करवाता है? एफएसएच, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करवाता है। यहाँ पे ओवम को रिलीज एलएच करवाता है और दो स्त्री हार्मोन है आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वो कौन स्त्रावित करवाता है? एफएसएच करवाता है फोलिकुलर सेल्स से, जो एफएसएच एंड
जो क्या करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन का स्रावण करते हैं। कहने का मतलब अगर हम मेल के अंदर एंड्रोजन का फंक्शन देखें, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन देखें, जो आपकी अग्रेसिवनेस है, गुस्सा आपके अंदर, जो मुस्टेज, बियर्ड, आपकी वॉइस थोड़ी हैवी होना, मस्कुलर बॉडी, आर्मपिट्स हेयर्स, आर्मपिट के अंदर जो हमारे यहाँ पे बालों का ग्रोथ होना, और जो हमारे जननांगों के पास बालों का उगना, ये सारे के सारे जो काम है ये कौन करवा रहा है? टेस्टोस्टेरोन करवा रहा है। मादा के अंदर एस्ट्रोजन जो है वो क्या करवा रहा है? फीमेल कैरेक्टर्स जो होते हैं, फीमेल के जो लक्षण होते हैं उनको उत्पादित करवा रहा है। कौन कौन से होते हैं फीमेल लक्षणों की बात करते हैं, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना और छाती का विकास होना, और जो उसके अंदर हेयर नहीं होना, बालों का नहीं होना, शरीर के ऊपर स्मूथ बॉडी होना, उनकी जो आवाज़ होती है वो थोड़ी तेज़ महिलाओं जैसी आवाज़ प्रोड्यूस होना, और इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। अब बच्चों इसके बारे में ये सारे के सारे अब अपने को मेनली याद क्या रखना है, बेसिकली जो आपके गोनेड्स हैं दो होते हैं, दो टाइप्स में होते हैं, मेल गोनाड एंड फीमेल गोनाड। मेल गोनाड जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? नर के अंदर प्रेजेंट होंगे, और फीमेल गोनाड होंगे वो मादा के अंदर होंगे। अब नर गोनाड में क्या होगा? नर गोनाड क्या काम करते हैं? एक तो वो अपना शुक्र जनन करते हैं, शुक्र जनन के थ्रू वो शुक्राणु का निर्माण करते हैं, शुक्र जनन किस से क्या करते हैं? वो शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, और अंड जनन से वो क्या करते हैं? आपके अंडाणु का निर्माण करते हैं, और दूसरा दो तरह के हार्मोनों को स्रावित करते हैं। जो मेल हार्मोन है, मेल गोनाड मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा, मतलब निकालेगा, तो उसका क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। फीमेल हार्मोन कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सो अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं इनके। यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये क्या है बच्चों? ये आपका आ गया सबसे पहले कौन? वर्षण, नर जनन। वर्षण की शुक्र जनन नलिकाओं में संयोजी उत्तक यानी अंतरास्थली कोशिकाएं या लेडिग सेल्स यानी इंटरस्टीशियल सेल्स पाई जाती हैं। इनके द्वारा नर हार्मोन एंड्रोजन का सीक्रेशन होता है, जो LH है वो एंड्रोजन का सीक्रेशन करवाता है, और ये मुख्य एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोस्टेरोन भी कहलाते हैं। ये वर्षण इनिबिन हार्मोन को या एक्टिविन हार्मोन नामक हार्मोन को स्रावित करता है, इनिबिन या एक्टिविन नाम का हार्मोन को स्रावित करता है। क्या कारण होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं इसके? यह द्वितीय लैंगिक अंगों व विकास का करवाता है, आवाज को भारी बनाता है जिससे मर्दाना आवाज कहते हैं, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का विकास करता है, हाथ पांव वक्ष स्थल व बगलों के अंदर बाह्य जननांगों के समीप दैहिक बालों का विकास करता है। यह चेहरे पर तेलीय ग्रंथियों का विकास करता है जिसके कारण कील मुहासे उत्पन्न होते हैं। यह कंकाल की वृद्धि करता है, यह कंकालीय पेशियों में वृद्धि करता है, यह पेशियों में मर्दाना शक्ति उत्पन्न करता है। अब ये वही काम कर रहा है ये सारे के सारे जो अपन ने अभी डिस्कस किए थे। जो टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट होती है वो 3200 HG/mL होती है, इसका यही काम है। भारी आवाज़ होना, छाती पे बाल का उगना और मर्दाना आवाज़ होना, ये सारे काम कौन करता है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन करता है। जब एक्टिविन और इनिबिन का मतलब है, जब इसका लेवल कम होता है तो एक्टिविन आता है, इसको क्या करता है? एक्टिवेट करता है और उनका स्रावण करता है। जैसे ही उसका लेवल कम हो जाता है तो वहाँ से कहाँ जाएगा सिग्नल? हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, तो बच्चों वहाँ से इनिबिन आएगा और उसको जो आपका टेस्टोस्टेरोन है उसके लेवल को ये क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात बताना चाहूँ तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये कौन है आपका? हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। ये कौन है आपका? पिट्यूटरी है। और ये कौन है? ये क्या सीक्रेट करता है आपका? एक्टिविन और इनहिबिन। एक्टिविन सीक्रेट करेगा, यहाँ से सिग्नल आएगा किसके पास? गोनेड्स के पास, तो ये सीक्रेट करेगा आपका, यहाँ से कौन आया? एक्टिविन। अब इसका स्रावण हो गया बहुत ज़्यादा, सीक्रेशन क्या हो गया? बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से वापस से नेगेटिव फीडबैक चलेगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चलेगा, नेगेटिव के अंदर क्या करेगा? इसके प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देगा, यानी इसकी मात्रा को कम कर देगा, गोनेड्स में से हॉर्मोन की सीक्रेशन को क्या कर देगा? कम कर देगा। ये इसको सिग्नल देगा, यहाँ से ये इसको सिग्नल दे रहा है, ये इसको देगा, ये इसको देगा, और फिर ये यहाँ पे वापस से इसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। इसको क्या कर देगा? ये ब्लॉक कर देगा।
यहाँ पे इसको रोक देगा, यानी इसके स्त्रावण को ये कम कर देता है। तो अपन ये देख सकते हैं यहाँ पे, यह है द्वितीय लैंगिक, द्वितीय लक्षण, यानी और क्या काम होता है इसका, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट करता है, ठीक है, ग्रंथियों में विकास करता है, जो चेहरे पे कील मुहासे, जो तेलीय ग्रंथियां होती हैं वो चेहरे पे तेल मुहासे और इनका डेवलपमेंट हो जाता है, इसकी वजह से ये होने लग जाते हैं। ये कंकाल की वृद्धि करता है, कंकालीय पेशियों में वृद्धि करता है, पेशियों में मर्दाना शक्ति उत्पन्न करता है। रुधिर के निर्माण में प्रेरित करता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल के स्तर को ये बढ़ाता है। यह जंतु में लैंगिक व्यवहार में परिवर्तन लाता है अर्थात नर को मादा की ओर आकर्षित करता है, यानी जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा व्यवहार है, उसके अंदर परिवर्तित लाता है, नर को मादा की ओर क्या करता है, ये आकर्षित करता है। तो ये बच्चों इतने सारे इसके फंक्शंस हुए। अब अपना जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है हमारा ओवरी, तो ओवरी को हम देखते हैं अभी अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।